सबसे बड़े फैसले से पहले सीएम शिंदे ने हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में फैसला उनके पक्ष में रहा, पार्टी का सिंबल और नाम उनके पास है। उन्होंने कहा कि फैसला पक्ष में आया तो उन्हें खुशी होगी। शिंदे ने मैच फिक्सिंग के आरोप को गलत बताया। उन्होंने कहा कि बाकी दलों के विधायक भी स्पीकर से मिलते रहे। ईसी के फैसले से पार्टी का नाम चिन्ह हमारे पास है, ये शिंदे का कहना है। आज 4 बजे के बाद मैं अधिकृत बात करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास मेजोरिटी है। विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%, हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है, और इसी के बलबूते पर मेजोरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यमान है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए, और मेरिट पे हम लोग शिवसेना है, हम लोग सिंबल धनुष्यमान है, और हमारे जो शपथ विधि हुआ था, कुछ लोग हमें घटनाबाह्य कहते हैं, घटनाबाह्य सरकार कहते हैं, और बोले आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, ऐसे बोलते बोलते अभी 1.5 साल हो गए हैं। अभी बाद में कहते हैं मुख्यमंत्री बदलेगा, लेकिन ये सरकार हमारी मजबूती से काम कर रही है, इसलिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, वो बेचैन हो गए हैं, और अभी उनको सामने दिख रहा है उनकी हार, इसलिए ये गलत सलत आरोप लगाते हैं। जब उनके फेवर में कोई निर्णय होता है तो अच्छा बोलते हैं। जो सर संजय राउत कह रहे हैं, जो अरे वो छोड़ो, उसको उसके लिए मेरे पास दूसरे लोग हैं। ये आप कंटिन्यू कीजिए। तो इसमें एक ही बात कहूंगा मैं, ये मैच फिक्सिंग अगर होती तो रात को आते अध्यक्ष, रात को आते चुपकर आते, ये दिन दहाड़े आ गए, अपने अधिकृत वाहन में आ गए और ऑफिशियल बैठक थी उनके, जो चुनाव क्षेत्र में जो कोस्टल हाईवे का काम शुरू है, मरीन ड्राइव में काम शुरू है, कुछ उनके चुनाव क्षेत्र के विषय थे। मैं मुख्यमंत्री हूँ और वो स्पीकर भी है और एमएलए भी है, तो इसलिए वो ऑफिशियल बैठक थी। इसमें अगर कुछ मैच फिक्सिंग करनी तो वो क्यों सामने से आते, ये गलत सलत बयान करते, आरोप करते, वो अभी उनके हार दिख रही है, इसलिए ये हमें घटना बाह्य कहने वाले अनकॉन्स्टिट्यूशनल वही लोग हैं, वो घटना बाह्य लोग वो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कहा था उनके ऑर्डर में, जजमेंट में, कि जब पहले मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद जब हमारे पास मेजोरिटी थी 104 बीजेपी के, 50 हमारे, मतलब 164 अगेंस्ट 99, मतलब मेजोरिटी वाला कौन है, मेजोरिटी वाले हम हैं, और इसलिए वो भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर का निर्णय जस्टिफाइड किया है, ये जरा उनको पढ़ना चाहिए। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने सीएम से मुलाकात को लेकर स्पीकर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नार्वेकर का मुख्यमंत्री से वर्षा बंगले पर मिलना वैसा ही है जैसे कोई न्यायाधीश अभियुक्त से मिलता है, महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं हुआ है, आज एक महत्वपूर्ण दिन है, देश के संविधान के मुताबिक अगर जाएंगे तो 40 गद्दारों को बाहर किया जाएगा। ये मुलाकात न्यायाधीश का अभियुक्तों से मिलने जैसा बताया, संविधान के मुताबिक फैसला हुआ तो 40 गद्दार बाहर हो जाएंगे। साहिल जोशी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साहिल देखिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमको तो बहुत पहले से कह रहे थे कि जा रहे हैं, सरकार हट रही है, 1.5 साल हमने सरकार चला ली, जाहिर तौर पर इनकी तिलमिलाहट उजागर हो रही है।
देखिए नेहा, कॉन्फिडेंस इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि ये एक तरीके से आरोप लगाया जाता है कि स्पीकर खास करके बीजेपी की तरफ से, तो अगर आप 10th शेड्यूल की बात करें, एंटी डिफेक्शन कानून की बात करें, तो एंटी डिफेक्शन कानून में यह साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई विधायक पार्टी छोड़कर काम करता है विधान भवन के अंदर, पार्टी के विप को डिफाई करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है। अगर 2/3 से ज्यादा विधायक पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो उनको दूसरी पार्टी में मर्ज होना पड़ता है। लेकिन अब एक नया पैतरा उस स्पीकर के सामने आया हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह कहा है कि विप जारी करना यह पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से किया जाएगा, विप की अपॉइंटमेंट राजनीतिक पार्टी की तरफ से की जाएगी, और इसीलिए स्पीकर को सबसे पहले यह तय करना है कि राजनीतिक पार्टी किसकी है, एकनाथ शिंदे की या उद्धव ठाकरे की। अब स्पीकर इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठाया और उसके बाद पार्टी के विधायक किसके पास ज्यादा है उसके आधार पर फैसला लिया कि एकनाथ शिंदे ही पार्टी असली पार्टी है, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है, क्या उसी तर्ज पर स्पीकर डिसीजन लेते हैं? अगर उस तर्ज पर स्पीकर डिसीजन लेते हैं तो उद्धव ठाकरे के विधायक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और अगर 10th शेड्यूल के तहत, जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग उसका निकलता है, उसके तहत डिसीजन लिया जाता है तो एकनाथ शिंदे के विधायक डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे काफी कॉन्फिडेंट है, वो तो यहां तक की बात मैं कह दूं कि वो डेवोस जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। 14 तारीख को उनको डेवोस जाना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अटेंड करनी है, उनका डेलीगेशन उसके लिए तैयार है। राहुल नार्वेकर आज 4 बजे के करीब विधानसभा के अध्यक्ष इसका फैसला सुनाएंगे। जो 34 पिटिशंस उनके पास है शिवसेना वाले मामले में, एकनाथ शिंदे से लेकर एकनाथ शिंदे के साथ गए 40 विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे की तरफ से फाइल की गई, और उद्धव ठाकरे के 14 विधायकों के खिलाफ एकनाथ शिंदे की तरफ से फाइल की गई, ऐसी कुल मिलाकर 34 पिटिशंस है। उसको 6 पिटिशंस में डिवाइड कर दिया गया है और उसकी ऑपरेटिव ऑर्डर यानी जो फैसला लागू होगा वो राहुल नार्वेकर 4 बजे विधानसभा के अंदर प्रोनाउंस करेंगे, और उसकी जो रीजनिंग है, उसके जो कारण दिया जाएगा कि किस वजह से वो इस फैसले पर पहुंचे हैं, उसकी डिटेल्ड ऑर्डर आज शाम तक आने की उम्मीद की जा रही है। तो कुल मिलाकर राहुल नार्वेकर के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा क्योंकि वो पहले ऐसे विधानसभा अध्यक्ष होंगे या स्पीकर होंगे जो इस बारे में भी तय करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कि असली राजनीतिक पार्टी प्राथमिक दृष्टि से या प्राइमा फसी उन्हें कौन सी लगी, जिसके आधार पर वो विप डिसाइड करेंगे और उसके आधार पर वो डिसाइड करेंगे एकनाथ शिंदे की सरकार रहती है या नहीं रहती। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास साहिल। और इस बीच राहुल नार्वेकर जो कि स्पीकर हैं, उनकी और एकनाथ शिंदे की जो मीटिंग हुई थी उसी को लेकर ये पूरा हंगामा मचा हुआ है, इसे मैक्स फिक्सिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। वो क्या कुछ कह रहे हैं राहुल नार्वेकर, सुनिए। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा, ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। जो व्यक्ति भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा है उसे विधानसभा अध्यक्ष का रोल क्या रहता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या रहती है, उनको क्या क्या काम करना पड़ता है, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की महीने 15 दिन में मुलाकात होती है, बोर्ड के विषय रहते हैं, इसके बारे में मालूमात शायद उनको होनी चाहिए थी, लेकिन जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे तो शायद उन्हें ज्यादा इस विषय की मालूमात लेने का वक्त नहीं मिला होगा, तो इसके बारे में और क्या कह सकता हूं मैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी ओर से आरोप लगाए हैं कि ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी, ये मैच फिक्सिंग है। वहीं बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। फ्रेमवर्क में ट्राइब्यूनल ने काम करना चाहिए था, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने एक समय की बर्बादी, और शायद कल और एक ऐसा कुछ कर सकते कि और समय निकले तब तक ये चुनाव हो जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो जनता के सामने हैं, जनता के बीच में हैं, और जनता तो जो न्याय देगी वो तो देख रही है, लेकिन क्या हम खुलेआम हमारे नजर के सामने प्रजातंत्र की हत्या होने जा रही है उसको स्वीकार कर सकते हैं क्या? मुलाकातें होती है, अब माननीय विश्व गौरव देश नायक नरेंद्र मोदी जी और हमारे शरद पवार साहब आदरणीय नेता है, इनकी भेंट होने के बाद क्या शरद पवार जी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं क्या? देखो, अपने अपने विचारों पे रहते हैं, कोई जज और कोई इनकी भेंट होती है तो ऐसा कहा कहीं नहीं गया है कि भेंट नहीं कर सकते। अब कई कार्यक्रम होते हैं उसमें मंत्री और न्यायमूर्ति भी एक जगह पे कोई कोर्ट की इमारत के उद्घाटन के लिए मिलते हैं, तो उसके लिए क्या आप ये प्रश्न उपस्थित करोगे?